देश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी घूम रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं।
जिससे प्राण ऊपर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा? किया सही कहते हैं, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मित्र डरने का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाने ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो, तुम जाओ दिया। तुम जाओ दिया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप है, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ।